हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गॉड शॉर्ट हैंड क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? तो जैसा कि आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं, डी टी पी एस वीक में 2024 की स्टेनो की वैकेंसीज और बहुत सारी वैकेंसीज अपनी आ चुकी हैं। तो देखते हैं किस वैकेंसी में कितनी कितनी पोस्ट हैं आपके, है ना, स्टेनो में कितनी है और अदर पोस्ट जो है उनमें किस किस में वैकेंसीज में कितनी कितनी है। तो वो सब हम इसमें सेशन वाइज देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और उसकी तैयारी कैसे करनी है ये सब चीज़ें हम इसमें कवर अप करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो सर, सेशन को स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले अपने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू, और आपको दिखा देते हैं कि वैकेंसीज अपनी आई कहाँ पर है ना। तो आप जैसे कि सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट, सरकारी रिजल्ट पर आप जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपकी सबसे ऊपर जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपको डी ट्रिपल एस बी। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद डी ट्रिपल एस बी वेरियस पोस्ट कितनी है, 1499 पोस्ट इसमें आपकी है। 1499 पोस्ट में किस किस की इंक्लूड है? स्टेनोग्राफर, इंस्पेक्टर, टीजीटी, क्लर्क, पीजीटी, नर्सिंग, केयर टेकर, इंस्ट्रक्टर, बहुत सारी पोस्ट हैं। सही है सर। टोटल तो इसके लिए फीस कितनी है? 100 रुपये फीस इसकी आपकी रखी गई है। आपको इसके लिए कितने रुपए देनी होगी? तो एग्जामिनेशन फीस सर इसकी रखी गई है आपके 100 रुपीज़ ओनली। ठीक है, तो आप अगर इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कितने रुपए पे करने होंगे सर? 100 रुपये। सही है, 100 रुपये आपको इसके लिए पे करने होंगे। यहाँ पर आपके थोड़ा सा एडवर्टाइज आ रहा है तो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको 100 रुपये इसके लिए पे करने हैं। 100 रुपये के साथ साथ सर इसकी जो आपकी अप्लाई करने वाली डेट है, तो आप इस फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हैं? तो सर इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं 19 तारीख से। सही है, 19 तारीख से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और ये कब तक चलेगी? 17 मई तक, सॉरी 17 अप्रैल तक। तो मतलब लगभग आपका इसके पास 1 महीना है। मिनिमम एज कितनी है सर इसकी? तो मिनिमम एज है 18 ईयर्स, और मैक्सिमम एज कितनी है? तो मैक्सिमम एज की अगर आप लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम है सर इसमें 25 से लेकर 37। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी इसमें एज आपकी मांगी गई है। सही है, तो किसी में आपकी 25 है मैक्सिमम, किसी में आपकी कितनी है? 35, 37। सही है, तो ये आपकी अलग अलग अकॉर्डिंग है, तो आप अपना देख लेंगे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी के लिए। तो अगर ओवरऑल वैकेंसीज देखते हैं आप, तो जनरल की है 650, ओबीसी है 393। इस तरीके से अलग अलग के लिए हमें देखना है। सबके लिए क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी भी अलग अलग है पोस्ट वाइज। जैसे वेटरिनियन और लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के 52 पोस्ट है, इसमें 12th होना चाहिए आपके पास, प्लस 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। सही है, इसी तरीके से अपनी अलग अलग। स्टोर कीपर की बात करते हैं, 9 पोस्ट है आपके पास, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अकाउंट की बात करते हैं तो सर इस तरीके से आप देखते हैं, अगर पीजीटी की तैयारी करते हैं तो पीजीटी के लिए अलग है। तो हम चलते हैं सर अपनी स्टेनोग्राफर की पोस्ट की तरफ, कि अपनी स्टेनो की पोस्ट इसमें कितनी रहने वाली है। तो सर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। ग्रेड डी के लिए इसमें कितनी है? 188 पोस्ट। सही है, इसमें सर आपके पास 12th, ये 10th बोला है, 10th, सिर्फ 10th बेसिस पर ही है ये आपकी। इंग्लिश स्टेनोग्राफी आपकी होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट। फिर बात करते हैं सर इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड, तो 40 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। प्लस सर इसमें आपकी हिंदी, तो मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टैंड इसमें डाल सकते हैं। आप अगर हिंदी शॉर्ट हैंड करते हैं तब भी आपके लिए है, और आप अगर इंग्लिश करते हैं तो आप भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी की स्पीड दोनों, हिंदी इंग्लिश की स्पीड कितनी है? 80-80 मांगी गई है। बस टाइपिंग की स्पीड इंग्लिश की 40 है और हिंदी की 35 है। 18 से लेकर 27 तक आपकी एज होनी चाहिए। इसके साथ जॉब लोकेशन और एग्जाम लोकेशन दोनों ही आपकी क्या रहने वाली है? ओनली दिल्ली रहने वाली है। सिर्फ दिल्ली में ही इसका पेपर होगा, दिल्ली में ही इसकी आपकी पोस्टिंग होगी, और दिल्ली में ही इसका एग्जाम सेंटर आपका रहने वाला है। तो मतलब अगर जो स्टूडेंट्स से सिर्फ दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो वो इसको अप्लाई कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ ये दिल्ली के लिए ही है। ठीक है, तो ये है सर आपका। अब देख लेते हैं इसमें सिलेबस, हमारा सिलेबस क्या रहेगा। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सर चलो देखते हैं अपना सिलेबस क्या रहने वाला है इसका। तो सिलेबस के लिए हम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ले लेते हैं। पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हेल्प से हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारा क्या क्या सिलेबस रहेगा।
अगर हमको इसमें जॉब चाहिए तो हमको कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें पास करने होंगे। तो चलो सर अपना चलते हैं, ये नोटिफिकेशन आ गया। तो अपना जो ये पोस्ट कोड है स्टेनोग्राफर डी, तो इसके लिए सर पोस्ट कोड जो है अपना ये चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो बहुत ज़्यादा हमको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि आप देख ही रहे हैं बहुत सारी पोस्ट इसमें हैं अपनी। तो धीरे धीरे कर कर हम नीचे चलेंगे, PGT इंग्लिश वगैरह। तो जो स्टूडेंट से टीचिंग की तैयारी करते हैं, BEd वगैरह है उनके पास, तो वो भी इस पोस्ट को कर सकते हैं। जो म्यूजिक से स्पेशलिस्ट है ना, तो सभी के लिए पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, दिल्ली में ही रहने वाली है, आपकी लाइफ टाइम आपका दिल्ली में ही निकल जाएगा, पूरा ट्रांसफरेबल नहीं है। क्योंकि ये जैसे कि आपको पता ही है डी ट्रिप पे एसवी, मतलब जैसे अपने यहाँ पर यूपी में समूगा होता है उसी तरीके से दिल्ली का समूगा बोर्ड है। तो मतलब इसकी पोस्टिंग आपकी शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहने वाली है, दिल्ली में भी। तो सर ये आ जाता है अपना इसका सिलेबस स्टेनोग्राफर डी के लिए। तो स्टेनोग्राफर डी का आपका सिलेबस ये आ गया। अब देखते हैं इसमें हमारा क्या रहने वाला है। तो देखो इसमें सर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट, तो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली से ये MCD का ये आपका पेपर रहने वाला है। इसमें सिर्फ पोस्ट जो होगी आपकी इसी डिपार्टमेंट में रहने वाली है। टोटल पोस्ट कितनी है, 188 जैसा बताया था। इसमें क्वालिफिकेशन तो आपको बताया गया था, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कौन सा, तो वही 12th वाला बोला इसने, है ना, 10th या 12th आपके पास होना चाहिए। और प्लस नंबर टू आपके पास स्किल टेस्ट होना चाहिए। स्किल टेस्ट कौन सा, 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। डिजायरेबिलिटी इसमें कुछ नहीं मांगी, बस यही। और ग्रेड पे जो आपका रहेगा वो रहेगा 5, है ना, ग्रेड पे 4 रहेगा आपका। तो सैलरी कितनी मिलेगी, 25,000 से लेकर 81,000, तो मैक्सिमम ये रिटायरमेंट तक होती है आपकी। 18 से लेकर 27 तक आपकी इसमें एज होनी चाहिए, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही बोला है, और इसके लिए डिटेल में बहुत बड़ा डिटेल नोटिफिकेशन है, तो इसको डिटेल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है ना, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर पूरा डिटेल एकदम दे रखा है इन्होंने, रिजर्वेशन के लिए बताया चाहिए। और यहाँ पर आपका पेपर में क्या निगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो सब कुछ इसके अंदर है आपका। तो ये देखो ये लाइन तो हर जगह लिखी होती है लेकिन इसका कोई रोल नहीं होता, आपको मेरिट अच्छे से ही आपको क्वालिफाई करनी होती है। तो चलो एक बार दिखा दे रिटर्न पैराग्राफ नंबर 7 पर, यह है हमारा स्टेनो के लिए अपना कौन सा पेपर इसमें रहने वाला है। Tier 2 डिस्क्रिप्टिव हो गया, पहले हम बात करेंगे Tier 1 की। अब अपने पोस्ट कोड भी तो हमको देखना पड़ेगा ना पहले एक बार। तो सर ये है देखो, यहाँ पर आपको मतलब इसमें जो डेट पे SV वाले के आते हैं इसमें हमारी सभी मैथ्स भी आता है इसमें स्टेनो का, एक सिंगल पेपर एक ये है जिसमें आपका स्टेनो आता है। फीस कितनी देनी है आपको, 100 रुपये से है। तो सर ये है मोड ऑफ एग्जामिनेशन Tier 1, जिसमें Tier 1 रहने वाला है सिर्फ Tier 1। तो इसमें आपका क्या क्या आएगा, देखो आपके क्वेश्चन होंगे 200 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस आएगी, GK रीजनिंग मैथ अर्थमेटिक है ना, तो इसमें मैथ्स भी आपका आता है। और यहाँ पर लैंग्वेज का टेस्ट आपका दोनों का होगा, ठीक है। तो सभी में आपके आने वाले हैं, यहाँ पर मार्क्स का भी खोल दिया कितने कितने मार्क्स आने वाले हैं आपके। तो सर यही 35-35 नंबर, मतलब इसमें कंप्यूटर भी आता है, इसमें सब कुछ आता है आपका, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, GK, रीजनिंग, सभी के लिए, ठीक है। और इसमें एक चीज़ हो रही है, इसमें आपका हर एक पार्टीशन, जैसे हमारा ये मान लो ना Part 1, तो इसका ना टाइम भी लॉक होता है, इसका टाइम भी लॉक होता है। मान लो अगर आप रीजनिंग कर रहे हो, रीजनिंग के लिए आपको 15 मिनट मिले हैं, तो सिर्फ आप 15 मिनट में ही इसको करना है। पहले कर लिया तब तो आप इसको सबमिट नहीं करके आगे जा सकते, सबमिट करके आगे चले गए तो वापस इसको नहीं आ सकते, मतलब आप इसमें रिविजिट नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना जब आप पेपर अप्लाई करोगे, पेपर के बाद जब सोल्व करोगे, है ना, CBT में जब आप जाओगे, तो यहाँ पर आप एक सेक्शन जो आपने विजिट कर लिया उसको दोबारा रिविजिट नहीं कर पाओगे सबमिट करने के बाद। तो यहाँ पर आपकी स्पीड भी आपकी चाहिए होती है। अच्छे से आपको यहाँ पर सब चीज़ों का पॉइंट आपको यहाँ पर हमने कवर अप किया। अगर किसी का और कोई डाउट है तो आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं। क्या किसी का और कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, तो चलो सर अब देखते हैं कि स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं शॉर्ट हैंड, तो वो क्या करें, है ना, जिससे कि वो घर बैठे अपना शॉर्ट हैंड सीख सके। क्या पॉसिबल है घर रहकर शॉर्ट हैंड सीखना? जी हाँ बिल्कुल, शॉर्ट हैंड सीखना पॉसिबल है। तो अपनी एप्लीकेशन है गोड शॉर्ट हैंड क्लासेस, जिसका लिंक आपके कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी पिन है,
आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ये अपना ऐप का इंटरफेस है। आप यहाँ से अपना शॉर्ट हैंड जो भी सीखना चाहते हैं, हिंदी तो हिंदी, इंग्लिश तो इंग्लिश, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। इंग्लिश का ये बैच अभी स्टार्ट हुआ है, 1 मार्च को सुबह 7 बजे लाइव क्लास होती है, और ये आपका डिक्टेशन बैचेज है ना, ये सब रिकॉर्डेड है। ये वाला लाइव है आपका, रात को 8 बजे इसकी लाइव क्लास होती है, 8 PM, ठीक है। इसी तरीके से सर हाई कोर्ट, अगर आप हाई कोर्ट का एग्जाम देना चाहते हैं तो लीगल बैचेज है, और एक न्यू लीगल बैच लाइव आने वाला है, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसमें जुड़ सकते हैं। जो भी जिसको चाहिए, अगर हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो फाउंडेशन बैच ये चला है रात को 9 बजे, डेली 9 बजे रात को ये क्लास चलती है, आप इसमें अपना एनरोल कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। जो भी जिस स्टूडेंट की नीड है, जो उनसे शॉर्ट हैंड को सीखना चाहता है, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर बैचेस ले सकते हैं। क्लियर सर? चलो इसी तरीके से सर अपने पास कॉम्बो बैचेस की भी फैसिलिटीज़ है, जो आप चाहते हैं कि हमको बस एक बार बैच ले लें, हमको बार बार ना लेना पड़े, तो ये अपने कॉम्बो बैचेस हैं। तो यहाँ पर आप कॉम्बो बैचेस में जाकर अपने बैचेस अपने नीट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कि जो बैच चाहिए आपको एक बार ले लिया, फिर आपको इसमें कौन सा बैच, आपको कॉम्बो बैच के थंबनेल पर मेंशनड है, आप जो सा बैच लेंगे आपको उतना ही उसमें मिल जाएगा, ठीक है। कौन कौन से बैचेस में मिलेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो आप अगर ये वाला लेते हैं ऑल हाई कोर्ट वाला, तो इसमें ये आपको 5 बैचेस मिलेंगे, जिसमें एक फाउंडेशन बैच भी होगा, साथ में लीगल डिक्टेशन बैचेस भी होंगे। मान लो सर आप ये वाला कॉम्बो बैच लेते हो, है ना, तो इसमें आपको ये तीनों बैचेस अलॉट होंगे, ठीक है। तो आपके जो जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी इसमें मिलेगी, अपनी नीट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। ये अपना बिल्कुल बिग पैकेज है, इसमें आपके 9 बैचेस मिलते हैं, 9 बैचेस, सही है। और इसकी वैलिडिटी वैलिडिटी ये है, अब सर ये वैलिडिटी कब से एक्टिवेट होगी, जिस दिन आप बैच लेते हैं। सही, मान लो आपने आज बैच लिया, है ना, मान लो आपने बैच लिया 1/1/2024 को, सपोज कर लो 1/1/24 को लिया, और वैलिडिटी थी इसकी 8 महीने, सही। तो ये बैच चलेगा आपका 2, 8 महीने है ना, तो 9 तक जाएगा, 9/2024, मतलब पूरी पूरी वैलिडिटी आपको इसमें मिलने वाली है। तो चलो सर इसी तरीके से अपना नेक्स्ट सेशन लेंगे, जब तक के आपके लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इसकी डेट नहीं निकली है, आप लोगों के कमेंट अब रिफ्लेक्ट हुए हैं, जब से कमेंट में कुछ प्रॉब्लम थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और ये वैकेंसी भी 2024 वाली है, वो जो पहला आपने आई थी ना जिसकी डेट निकल चुकी है, वो 2023 वाली थी, और ये 2024 वाली है, ठीक है। वो विज्ञापन जो था, नोटिफिकेशन पुराने वाली थी, और ये न्यू वैकेंसी आई है आपकी जो आज ही आई है। देखो इसका नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाया भी था, अभी कहाँ गया इसका नोटिफिकेशन, आपको दिखाते हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है ये आज दोबारे से आई है वैकेंसी। जो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, वो पुरानी वाली थी जिसकी डेट एक्सपायर हो गई है, जो डेट निकल चुकी है। यहाँ पर देखो इसको एक बार दिखा देते हैं आपको, एक बार फिर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। गोर शॉर्ट हैंड क्लासेस में अगर आप जुड़ने के बाद आपका डाउट रहता है तो ऐसे कैसे चलेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। ये देखो इसकी सबसे ऊपर ही लिखा हुआ, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे तो सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है। गिव मी अ सेकेंड, जिससे कि हम आपको एक बार यहाँ पर शो करके दिखा दें। इट इज ये आ गया आपका नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन में ये डेट दिखा देते हैं कहाँ पर है। तो ये है सर इसमें आपकी डेट, ये देखो ये दिया ना यहाँ पर 19 मार्च 2024 से यहाँ पर ये स्टार्ट होगा, आप कर सकते हैं। और लास्ट डेट क्या है इसकी, 17 अप्रैल, 17 अप्रैल, क्लियर है। तो इसमें आप अभी अप्लाई करोगे। सर इंग्लिश डिक्टेशन का बैच चाहिए आशीष, हाँ आशीष बैचेस अपने अवेलेबल हैं, आपको अभी सब दिखा दिया, वैसे ही आप ले सकते हैं। सही, हम एकदम बढ़िया। चलो तो फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, अब फाइनली करते हैं सेशन अपना ओवर।